यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए गेम प्ले सीरीज में। उसका नाम है कार पार्किंग मल्टीप्लेयर गेम उर्फ GDA5। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस गेम को GDA5 जैसे ही पूरा फील देंगे फ्रेंड्स। तो अभी अभी मैं घर से उठा हूँ और अभी अभी मुझे माइकल दादा का फ़ोन आया था और माइकल दादा ने बोला कि भाई मेरे घर के आगे तेरे लिए कुछ सरप्राइज रखा है, वो वहाँ पे आ और वो सरप्राइज लेके जा। तो भाई मुझे तो नहीं पता कि भाई माइकल भाई ने क्या सरप्राइज रखा है। भाई माइकल भाई अगर दे रहा है तो भाई कोई अच्छा ही होगा। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या सरप्राइज है। और फ्रेंड्स, अगर आपको आइडिया है कुछ तो क्या देंगे माइकल भाई, तो अभी इसके अभी जाइए कमेंट कीजिए कि भाई क्या हो सकता है। तो अभी तो मैं फिलहाल ऊपर जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं भाई क्या सरप्राइज है। तो अभी ऊपर फ्रेंड्स आने वाला है, रेडी रहिए। ओ भाई साहब, भाई माइकल दादा ने अपने लिए एक कार दी है। ओ भाई, वो बहुत ही मस्त कार दिख रही है फ्रेंड्स। ये देखिए क्या मस्त कलर किया है पेंट। और फ्रेंड्स ये देखिए, एक सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, ये देखिए अपने इंडिया का नेशनल फ्लैग का पेंट किया है। वाह भाई, थैंक यू माइकल दादा, बहुत ही मस्त लगी गाड़ी भाई। इसके लिए तो क्या बोल सकते हैं, अभी मस्त गाड़ी है एकदम, ओपन है। और इसकी स्पीड भी हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं कैसी है। इंटीरियर इंटीरियर भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके आगे जाके आपको पूरा ओवरव्यू दे दो फ्रेंड्स। तो फटाफट से चलिए आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, अरे भाई स्टार्ट ही नहीं हो रही है भाई। स्टार्ट हो भी कैसे होता है, अरे मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स ये नई गाड़ी तो हमें पता नहीं है कि कैसे ऑन करना है। तो फ्रेंड्स इसको इग्निशन ऑन करते हुए एक्सलेटर देना पड़ता है। तो नई है, नई गाड़ी है तो भाई ऐसा हो गई ना। और देखिए भाई, पहली बार ही हम लोग ने ठोक दिया, आज पहला दिन है और पहली बार ही ठोक दिया। हम लोग का तो ठोकने का चलते रहता है। तो फ्रेंड्स मैं आगे यहाँ पे रुकता हूँ और आपको पूरा गाड़ी का ओवरव्यू देता हूँ कैसी है गाड़ी, फिर बाद में आपको इसका परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, इंटीरियर में अभी कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग अभी मॉडिफाइड करवाएंगे। अपना बैनी भाई है ना, उससे हम लोग पूरा का पूरा इंटीरियर मॉडिफाइड करवा लेंगे। तो मैं आपको एक नई वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उस पर तो आप लोग ज़रूर से देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्या मस्त लग रही है गाड़ी फ्रेंड्स। सबसे एट्रेक्टिव लगता है अपना इंडिया का फ्लैग भाई, मस्त। और पीछे भी कुछ देख रखा है, वो पता नहीं कौन सा कलर है, शायद से वो फ्लैग बनाना चाहता था पर नहीं। और पीछे क्या लिखा देखो फ्रेंड्स, लॉयल्टी लॉयल्टी भाई, मस्त वर्ड है पर लॉयल्टी से हम लोग का क्या लेना। चलिए फ्रेंड्स, अभी फटाफट से मैं अंदर बैठ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका परफॉर्मेंस कैसे चलती है, इसकी स्पीड कितनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा हाईवे पे। तो ऐसे तो यहाँ से हमें यहाँ पे नज़दीक ही हाईवे है और मेरा फेवरेट जगह है फ्रेंड्स वो, मैं आपको लेके चलता हूँ। और हम लोग ये गलत आ गए, शिट। तो हम लोग अभी रिवर्स लेना पड़ेगा और कुछ नहीं फ्रेंड्स, जाते हैं पहली गाड़ी, मतलब इतनी पहली गाड़ी है हम लोग की इतनी अच्छी, वो माइकल दादा ने दी है फ्रेंड्स। थैंक यू तो बोलना पड़ेगा माइकल दादा को। तो भाई माइकल दादा थैंक यू, और पर्सनली उनसे मिलके हम लोग उनको थैंक यू बोलेंगे। और फटाफट से हम लोग चलते हैं हाईवे में टेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से बस हम लोग को लेफ्ट मिलना है और यहाँ पे तो हम लोग का टोल है वो कुछ कट जाएगा, उसमें क्या है। और फिर से ठोक दी फ्रेंड्स, अपना ठोकना तो चलता रहता है। और नवयानी भाई है ना भाई, फ्री में कर देगा। और चलिए फ्रेंड्स मैं आगे रुकता हूँ और आगे से स्टार्ट कर दे। और तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स इसकी मुझे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। देखिए स्पीड कितनी फटाफट से पकड़ लेते, अब देखिए इतने से ही मैं उसने 100 स्पीड पकड़ लिया फ्रेंड्स। देखिए 120 के पार हो गई भाई, मस्त गाड़ी है फ्रेंड। माइकल दादा ने बहुत ही अच्छी गाड़ी दी है, इसका नाम क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा फ्रेंड्स, अभी मुझे पता नहीं है। अरे अभी 150 से ऊपर चली गई है भाई, लाजवाब गाड़ी है। और मैं इसको भगाते हुए, और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग में बहुत मस्त लगता है। पर अभी अनस्टेबल हो गए भाई, ज़्यादा ही कंट्रोलिंग करते हुए। तो अभी नई गाड़ी तो ऐसा होगा ही क्योंकि भाई अभी नए ड्राइवर है। और जो हमारी जो पुरानी वाली गाड़ी थी फ्रेंड्स, उसको भी मैंने मॉडिफाइड कर दिया, फुल्ली मॉडिफाइड। अगर आपको देखना है तो कमेंट कीजिए भाई कि वो गाड़ी का पूरा ओवरव्यू दूंगा फ्रेंड्स। क्या मैंने उधर यूट्यूब चैनल का अपना नाम लिखा है। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितना मस्त नज़ारा हो रहा है अभी, और हम लोग फुल स्पीड से हमारी गाड़ी को भगा रहे हैं। फुल स्पीड नहीं है फिलहाल तो आधी है। और फ्रेंड्स मैंने इधर एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जो आपको देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने उस पर एक नया वीडियो पहले ही बना चुका हूँ मैं, तो आप मेरे चैनल को चेक कीजिए, सेकेंड या थर्ड वीडियो में वही है। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही मेहनत से वो वीडियो बनाया है,
तो आप लोग ज़रूर से देखिए। अगर आपको मेरे घर के वीडियो देखना है तो आप जाके हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तो मैं चलता हूँ अपने घर पे, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है, तो अभी थोड़ा सा घर में रखते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि अभी नज़ारा हो रहा है और मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐसे राइट मूव लेता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कहाँ पर पार्किंग करूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे अभी अभी आ रहा है कि भाई इधर हमारे इधर पार्किंग भी है, बहुत बड़ा पार्किंग, तो हम लोग नीचे ही कर लेंगे पार्किंग। और अपना घर तो सामने ही है, तो इजी रहेगा। उधर पास से कहीं चोरी होने के भी चांसेस नहीं है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है और सीसीटीवी तो है ना भाई। तो चलिए फटाफट से अंदर हम लोग पार्क कर लेते हैं। और गाड़ी तो मुझे बहुत नंबर वन लगी फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ से अंदर ही मैं पार्क कर लेता हूँ इसको। तो मैं इधर ही बस लगाता हूँ, गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ और गाड़ी लॉक करते चलता हूँ अपने घर पे। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी अभी मैं सोया था, और फ्रेंड्स अभी मुझे माइकल दादा का फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कि भाई अभी तुम मुझसे मिलने आओ। तो भाई मुझे नहीं पता कि किसके लिए बुलाया है उन्होंने मिलने, पर देखते हैं क्या भाई। कुछ ऐसा टेंशन में तो लग रहे थे, पर पता नहीं क्या बात है। तो चलिए फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं ऊपर। मैंने उनको डोनट शॉप में बुलाया है, मतलब उन्होंने मुझे बुलाया डोनट शॉप में, तो पता नहीं आ गए होंगे या आ रहे होंगे। तो चलिए ऊपर जाकर उनको फ़ोन करता हूँ, देखते हैं आए हैं नहीं। पर मुझे तो लग रहा है अभी कोई टेंशन की बात है, पर ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, अभी अभी गिफ्ट दे रहा, अभी टेंशन दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट से ऊपर चल रहे हैं हम लोग, और यहाँ से बस हम लोग को लेफ्ट लेना है और राइट लेना है, फिर हम लोग का डोनट शॉप आ जाएगा। और गाड़ी क्या देखने में लग रही है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताओ कि कैसी गाड़ी है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ, और माइकल दादा अभी तक नहीं आया भाई, हर टाइम लेट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे गाड़ी अपने लगाता हूँ और उनकी वेट करता हूँ उनके लिए। हाँ, तो फ्रेंड्स पूरे के पूरे आधा घंटा वेट करते हुए मैं यहाँ पे खड़ा था, और अभी अभी मुझे माइकल दादा की गाड़ी नज़र आई है फ्रेंड्स। इतना टाइम माइकल दादा, चलो कोई बात नहीं, अपने दोस्त ही है, उधर फंस गए होंगे ट्रैफिक में। तो भाई जल्दी आओ, बताओ क्या बात है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई इतनी अच्छी गिफ्ट के लिए। तो फ्रेंड्स फटाफट से उनसे बात करते, भाई आओ माइकल भैया। तो फ्रेंड्स फटाफट से उनको मैं बोलता हूँ थैंक यू, और देखते क्या बात है भाई, क्या किसके लिए बुलाया है। चलिए उनसे बात करता हूँ मैं। हाँ, तो फ्रेंड मेरी माइकल दादा से पूरी की पूरी बात हो गई है फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे सब बता दिया है, और वो अभी जा रहे हैं सीधा अपने घर पे, या पता नहीं किधर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स माइकल दादा ने हम लोग को बोला है कि अपने को जाना है मॉल में, मतलब मॉल जो सुपर मार्केट है अपना सबसे बड़ा, जो है पीछे के साइड, मतलब मैं आपको दिखा दूंगा, उधर जाना है। उन्होंने कुछ बनाया है, पता नहीं क्या है, वो पार्किंग में जाके खुद ढूंढ लो बोला, तो पता नहीं क्या है भाई। चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर, और मैं अपनी गाड़ी भगा लेता हूँ सुपर मार्केट के लिए, देखते हैं भाई क्या है। तो फटाफट से चलते हैं गाड़ी में, और अपने को राइट लेना है, और यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा मुड़ के और सीधा कर लेना है गाड़ी को। और फ्रेंड्स ये इंटीरियर भी बहुत, मैं अभी बैनी से थोड़े दिन में बैनी के पास जाऊँगा और अपना इंटीरियर मॉडिफाइड करके लाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस आगे हम लोग को ये वाले टर्न से राइट लेना है और अंदर मॉल में घुस जाना है। तो चलो फ्रेंड्स ये आ गया है मॉल, और हम लोग को बस वो पार्किंग ढूंढना है। अरे नहीं, इधर पार्किंग नहीं फ्रेंड्स, पीछे पार्किंग है। मैं इस बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पीछे ले लेते हैं और राइट में घुस जाते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम लोग आ गए हैं पार्किंग में, और फ्रेंड्स पार्किंग तो यही है, और आगे बहुत बड़ा स्पेस है, तो उन्होंने बोला कि आगे ही जाओ। देखिए आगे, और एक को प्रे में बोला कि एक साइड में कुछ तो है, उधर देखने है। तो पता नहीं क्या, मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ पर यहाँ पे तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं, चलो ढूंढते हैं क्या है भाई ऐसा, कि अपना माइकल दादा ने हम लोग को इतना अर्जेंट में बोला। क्या मजा भी तो नहीं कर रहे ना माइकल भाई, क्या हो भी सकता है। तो चलो अभी मुझे तो मिल नहीं रहा है, तो मैं अभी फटाफट से माइकल दादा को फ़ोन करता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे माइकल दादा से पूरी की पूरी बात हो जाएगी है फ्रेंड्स, और उसने हमें को एक टेंशन दे दिया भाई, कि उसने बोला है कि अभी अभी उसको लेस्टर का कॉल आया था, और लेस्टर ने हम दोनों को, मतलब माइकल और फ्रैंकलिन को, फटाफट से लेस्टर के ऑफिस में बुलाया है। तो भाई क्यों बोला है पता नहीं, और बहुत ही टेंशन में लग रहा था फ्रेंड्स। तो अगर लेस्टर बुलाता है भाई, कोई तो बड़ा हम लोग को लेवल देता है कुछ करने का, और कुछ हम लोग को काम करना पड़ेगा अभी। तो फ्रेंड्स अभी गाड़ी वीड़ी ठोकते कुछ कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग को लेस्टर नहीं बोला है, क्योंकि रेस्टर ही हमारा एक मेन आदमी है। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं क्या बोल रहे हैं, और हम लोग को बस अभी लेस्टर के ऑफिस तो डेजर्ट एरिया में रहता है वो, पता नहीं क्यों।
और उसको रहने चाहिए, क्योंकि हम लोग को बस यहाँ से लेफ्ट मार रहे हैं और राइट मार के हम लोग को सीधा हाईवे ज्वाइन कर लेना है। तो फ्रेंड्स हम लोग का तो हाईवे में फिर से ड्राइविंग हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो चालू ही रहेगा हम लोग का। चलिए फटाफट से यहाँ पे निकल लेते हैं हाईवे पे, पूरी की पूरी गाड़ी भगाते हुए। तो फ्रेंड्स ऐसा माइंड लेस्टर तो ऐसा फ़ोन करके अभी कभी बुलाया नहीं है, पर देखते हैं क्या है। और अभी अपना माइकल दादा भी उधर पहुँच रहा है, तो शायद से पहुँच गया हो या पहुँच रहा होगा, पता नहीं वो कहाँ से जा रहा है। चलिए हाँ, तो फ्रेंड्स हमारी गाड़ी भगाते भगाते मैं आ गया हूँ डेजर्ट एरिया में, और यहाँ पे मुझे रिफ्यूल करना था और गाड़ी को मैंने रिफ्यूल कर दिया है, और अपनी गाड़ी थोड़ी ठोक गई थी तो उसको भी मैंने रिपेयर कर लिया है। और फ्रेंड्स आ गई अपना लेस्टर भाई का ऑफिस है, तो फ्रेंड्स फटाफट से चलते हैं ऑफिस के अंदर, और शायद से उधर माइकल दादा भी आ गए होंगे, देखता हूँ। चले अंदर जाते हैं, और फ्रेंड्स माइकल दादा भी आ गए, देखिए उनकी गाड़ी यहाँ पे है, माइकल दादा की गाड़ी यही है। तो फ्रेंड्स फटाफट से मैं उतरता हूँ, देखता हूँ अंदर जाके कि क्या बात है फ्राई। तो चलिए फटाफट से अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स मेरी उन दोनों से बात हो गई। फ्रेंड्स लेस्टर ने बोला है कि भाई लेस्टर की जो सबसे पहली गाड़ी थी, जो उसकी सबसे फेवरेट थी, वो किसने चोरी कर ली है। तो फ्रेंड्स हम लोग को वो गाड़ी ढूंढ के लाना है, पर अभी नहीं, वो बोला है कि अभी हम लोग को रेडी रहना है माइकल और फ्रैंकलिन को, वो जब भी लोकेशन ढूंढेगा उसकी तो हम लोग को दोनों को जाना है और वो गाड़ी चुरा के लाना है। चुरा के मतलब वो चुरा के ले गए, हम लोग को उसको भी वापस लानी है। तो देखते हैं अभी माइकल दादा कब, माइकल दादा और फ्रैंकलिन को कब ड्राइवर, सॉरी ड्राइवर नहीं, लेस्टर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड